95 to 98% जो है हमारे हिंदू भाई रहते हैं जी। इस हिंदू गांव में हमारे मुस्लिम भाई की भी शॉप है। आप स्कूल जाते हो? नहीं। तो क्यों नहीं जाते आप स्कूल? कपड़ा ढूंढता हूं। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आपको एक ओल्ड हिंदू विलेज का विजिट कराने जा रहे हैं। फ्रेंड, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहेगा एंड तक। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी एक हिंदू विलेज में। ये ओल्ड हिंदू विलेज है, तो आज मैं आपको पूरे विलेज का विजिट कराने जा रहा हूँ और हमारे हिंदू भाइयों का घर भी दिखाऊंगा कि किस तरह के इनके घर होते हैं, क्या कंडीशन होती है, और हिंदू भाइयों से भी मिलाएंगे कि क्या काम काज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़बरदस्त होने वाली, बने रहेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तमाम बस्ती, ये तमाम घर जो हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों के हैं। और देख सकते हैं ये बच्चे, ये भी हमारे हिंदू भाइयों के। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनके किस तरह के घर हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कच्ची गलियां और कच्चे घर वगैरह आपको दिख रहे होंगे। ये एक हमारा हिंदू विलेज है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से कंडीशन है जी। देखें, ये तमाम जो है हमारे हिंदू भाइयों के घर हैं। और यहाँ इस गांव में जो है 95 to 98% जो है हमारे हिंदू भाई रहते हैं। देख सकते हैं ये गली, इसमें भी सामने घर, ये भी हमारे हिंदू भाइयों के। तो बेटा, राम राम। तो आपने बोलना जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या नाम है बेटा आपका? नाम बता दे अपना। आदेश, अभी बता रहे थे ना आप, क्या नाम है? आदेश। हाँ, तो फ्रेंड्स, आदेश नाम है बच्चे का। तो देख सकते हैं ये भी हमारे एक हिंदू भाई हैं। तो आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स हिंदू भाइयों के घर। देख सकते हैं कुछ हमारे आगे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। बाकी देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये जी कंडीशन है हमारे ये हिंदू मोहल्ले की। तो ये तमाम घर जो हैं ये हमारे हिंदू भाइयों के हैं। तो वो सामने बच्चे देख सकते हैं, ये भी हमारे हिंदू भाइयों के हैं। बाकी देखें कुछ इस तरह से। और देख सकते हैं जी, इस हिंदू गांव में हमारे मुस्लिम भाई की भी शॉप है, मुस्लिम भाई भी रहते हैं। तो चल मिलते हैं इनसे। तो चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है। तो नाम बता दे अपना। अब्दुल गफार। तो अब्दुल गफार नाम है। चाचा जी, यहाँ पे कितने हिंदू भाइयों का घर रहते, यानी कितने हिंदू भाई रहते हैं इधर हमारे? काफी ने? अच्छा, काफी हैं। और मुस्लिम भाई भी रहते हैं इधर? हाँ। ठीक हो गया जी। तो ये आप शॉप पे काम करते हैं इधर, ये शॉप आपकी है जी? तो फ्रेंड देख सकते हैं जी, ये एक मुस्लिम भाई है, इनकी शॉप है। देखिए कुछ इस तरह से ये छोटे से सेटअप लगाया हुआ है जी। देखिए ये कुछ इस तरह से। राम राम बेटा। जय श्री राम। तो नाम बता दे अपना। शारून। शारून। तो शारून भाई, क्या करते हो आप, स्कूल जाते हो? नहीं। तो क्यों नहीं जाते आप स्कूल? कपास ढूंढता हूं। अच्छा, कपास चुगते हो, ठीक हो गया। तो क्यों नहीं स्कूल जाते, यानी आपके वालिद भेज नहीं पाते? तो आपके वालिद क्या काम करते हैं? अच्छा, सब्जी बेचते हो, सही हो गया। तो फ्रेंड देख सकते हैं, बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते और इनके वालिद जो है वो सब्जी वगैरह बेचते हैं। तो एक और भाई भी है, उनसे भी आपको मिलाते हैं। तो भैया राम राम। जय श्री राम। तो नाम बता दे अपना। विक्रम। तो विक्रम भाई, आप भी स्कूल जाते हो? नहीं। तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते आप भी? हमारा घर वाले नहीं भेजते। अच्छा, घर वाले नहीं भेजते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये कंडीशन है हमारे हिंदू भाइयों की, ये ना स्कूल नहीं जाते हैं और अपना काम वगैरह करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से कंडीशन है जी इस गांव की। और ये बहुत ही ओल्ड एक हिंदू विलेज है, देख सकते हैं यहाँ पे बिजली वगैरह का इंतजाम है। सामने वो खंभे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बिजली के खंभे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और सामने वहाँ भी बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, देखें। और यहाँ पे देखें, ये भाई वाले दीवार वगैरह बना रहे हैं, कच्ची दीवारें, ये देखें कुछ इस तरह से। देखें फ्रेंड्स, और ये तमाम घर जो हैं ये हमारे हिंदू भाइयों के। देख सकते हैं यहाँ पे जानवर वगैरह इनके बंधे हुए हैं, और ये इनके बच्चे देखें फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। देखें, और बाकी ये बहुत बड़ा विलेज है, देख सकते हैं इस तरह से ना।